मेरे प्यारे दीवानों, आप इस चीज को अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने यहाँ बहुत सारे एतबार से खवातीन के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, जहाँ फरमाया बर्दा के ही कम वहाँ कहती हो बर्दा के आप अल्लाह का दिल करने वाले और अल्लाह के दिल करने वालियां अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा, उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मग़फिरत और अजर अज़ीम रखा है। वही पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कुरान मुकद्दस में और को खिताब फरमाया रसूल आज़म के वास्ते से कुल लिल मुमिनात यगुदना मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अल्लाह अकबर। ऐ खवातीन इस्लाम, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह के शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म दिया और निगाहों को नीची रखने का हुक्म दिया, तलाश करने का हुक्म नहीं दिया, आवारा छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदीजो और खातुन जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा की कदीजो इस चीज को जहन के अंदर महफूज कर लो, गुनाह से बचो, दामन को गुनाहों से बचाओ, दामन को आलूदा होने से बचाओ। पाक दामनी बहुत बड़ी दौलत है, अगर दुनिया उसे दकियानूस कहे तो कहने दो, हमें तो दुनिया से क्या फर्ज है, हमें दुनिया वाले तो मरने के बाद काम नहीं आएंगे, न माँ मरने के बाद काम आएगी, न बाप मरने के बाद काम आएगा, न दोस्त काम आएंगे, न सहेलियां काम आएंगी, कोई काम नहीं आएगा, कयामत में अगर कोई काम आएगा तो बदली में बताया जाएगा।